दोस्तों आप सभी को साल 1999 में आई फिल्म हेलो ब्रदर तो याद ही होगी, जो कि एक जबरदस्त एक्शन कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में हमें सलमान खान और अरबाज खान लीड रोल में नजर आए थे और इनके साथ फीमेल लीड में रानी मुखर्जी देखने को मिली थी। ऐसे में अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, अब 24 साल के बाद एक बार फिर सोहेल खान ने इस फिल्म के सीक्वल को बनाने का फैसला किया है, लेकिन इस बार फिल्म की स्टार कास्ट में काफी बड़ा चेंज किया जा रहा है। जी हाँ, सुनने को मिल रहा है कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान अब जल्दी ही बड़े पर्दे पर अपनी एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खान परिवार के बेटे अब आपको बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। बता दें कि अरहान खान अपने पापा की ही फिल्म में आपको काम करते हुए नजर आने वाले हैं। और सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि हेलो ब्रदर 2 में अरबाज खान और सलमान खान सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल कैमियो के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, अरबाज खान और सलमान खान की जगह इस बार फिल्म में कार्तिक आर्यन लेने वाले हैं। वहीं बीते दिनों एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जहाँ पर कार्तिक आर्यन और सलमान खान के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, जिससे ये खबरें भी सामने आई कि सलमान खान किसी फिल्म में कार्तिक आर्यन भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि हेलो ब्रदर 2 होने वाली है, जिसका डायरेक्शन एक बार फिर से सोहेल खान ही करने वाले हैं और इसी फिल्म के जरिए एक बार फिर से वो बड़े पर्दे पर अपनी एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, बतौर डायरेक्टर वो एक बार फिर से नजर आएंगे इस रोमांटिक फैंटेसी एक्शन फिल्म का डायरेक्शन करते हुए, जिसमें आपने सालों पहले सलमान खान और अरबाज खान के साथ रानी मुखर्जी को देखा था। वेल दोस्तों, इस बार एक्ट्रेस के नाम पर काफी ज्यादा सस्पेंस बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में खुशी कपूर एज ए लीड एक्ट्रेस आपको नजर आ सकती। इसी के साथ बात करें हेलो ब्रदर 2 की बाकी की स्टार कास्ट की, तो आप जान लीजिए कि भाई इस बार फिल्म की स्टार कास्ट होने वाली है स्टार किड्स के साथ। साथ ही इस बार फिल्म में कुछ नए कलाकार भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल यानी कि 2025 तक बड़े पर्दे पर आपको देखने को मिल सकती है। वेल, इस फिल्म पर डायरेक्शन एक बार फिर से सोहेल खान करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर सलमान खान और अरबाज खान को एक साथ कॉमेडी अवतार में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी ऐसे ही मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।